ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम से आंशिक रूप से निकलने का संकेत दे दिया है। उसके इस कदम का मतलब है कि अब वो एक बार फिर अपने परमाणु कार्यक्रम को रफ्तार दे सकता है। रविवार को ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया कि उसके पास पुख्ता सूचना है कि ईरान और उसके सहयोगी यूएस के नौसैन्य बेसों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और इसके जवाब में अमेरिका ने मध्य पूर्व एशिया में एयरक्राफ्ट कैरियर और बॉम्बर टास्क फोर्स की तैनाती कर दी है। आर्थिक दबाव बनाने के बाद यूएस ने अब ईरान पर सैन्य दबाव डालना भी शुरू कर दिया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से आंशिक तौर से निकलना एक खतरनाक कदम साबित हो सकता है। Allow a regime the chance death to America to gain access to the most deadly weapons on earth. 2015 में ईरान और यूएस यूरोपीय देशों के बीच हुए परमाणु समझौते के तहत तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे और बदले में प्रतिबंधों से राहत दी गई थी। यूएस ईरान के रिश्ते ऐतिहासिक तौर पर हमेशा से ही खराब रहे हैं, लेकिन पिछले साल अमेरिका के परमाणु समझौते से हटने के बाद और ईरान पर कड़े प्रतिबंधों को लागू करने के बाद से संघर्ष और ज़्यादा बढ़ गया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, इंटेलिजेंस चिंताजनक है, इराक में यूएस दूतावास पर खतरा मंडरा रहा है। यूएस की ईरान में करीब 5200 जवानों की सैन्य टुकड़ी भी तैनात है। हालात खराब होने का अंदेशा लगाया जा रहा है।